सर को वो शिल्पा जी कैसे बोलती है, वही सी न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू फॉर्म है मेरे, न्यू फॉर्म इन द सेंस ये वो जोन है जो मैंने कभी नहीं किया, वो कर रहा हूँ मैं. एंड फॉर्चुनेटली आई हैव अ लवली पार्टनर विथ मी लिप्सा, जो मुझे बोलते ना सही तरीके से समझ सकती है कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता. और जो नहीं कर सकता वो बहुत प्यार से मुझे बहला फुसला करके पुश कर करके मुझसे कराती है ये, और अच्छा भी लगता है यू नो कि बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट व्हाट आई एम, हमारी ग्रोथ का है, हम क्या नया कर रहे हैं यहाँ हमें. ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये कर लेंगे चलेगा, कुछ नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा. यहाँ पे आपको एवरी वीक यू हैव टू शो योर ग्रोथ, योर फॉर्म, कुछ नया आपको दिखाना है. हम कितना अपने आप को हम अपनी लिमिट से बाहर निकाल रहे हैं, जो हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बाकी तो टेक्निकली आपको लिप्सा ही बताएगी. लिपू बताओ. सॉरी वो नहीं होता है, ही डजंट कम इन हिज कैरेक्टर, ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है रिहर्सल में, बट ही इज जस्ट ही इज वेरी फन यार एज अ पर्सन ऑल्सो. ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी रिहर्सल कभी बोरिंग नहीं हुई है, यू नो. हमारी रिहर्सल्स ऐसे कभी बोरिंग नहीं हुई है, ऑलवेज ही इज जस्ट इन दिस मूड. ऐसे वो कभी भी कोई कैरेक्टर पकड़ के अचानक उसके जैसे बात कर लेते हैं, कोई जा रहा होता है हॉल से उसके साथ मस्ती कर लेते हैं, ही हैज़ हिज वन लाइनर पंचेस वो बोल देते हैं. सो ही डजंट लाइक कम इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर, बट एज अ पर्सन ओनली आई थिंक ही इज ऑलवेज इन दैट एंटरटेनमेंट वाला जोन अपने माइंड में, वो मस्ती करते रहते हैं, बहुत करना पड़ता है. सी आई हैव अ रीजन लिपु, क्या है कि अभी मैं आपको बोलूं कि मैं 4 बजे से 8 बजे तक सिर्फ डांस रिहर्सल कर रहा हूँ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. कितना ऐसा वो सुनते ही ये हो जाता है ना. अच्छा एक वीक 1 2 1 2 1 2 1 2 था, सेकेंड वीक था 1 2 3 4 5 6 7 8. कहाँ से आ गया बीच में, ये तुम्हारी काउंटिंग हिचकी क्यों ले रही है, वो हो गया. तो ये इतना कंफ्यूज और मेरा जोन नहीं है, मेरे फील्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता है अरे यार ये क्या. तो वो अपने आप को मोटिवेट करते, मस्ती में जो चीज़ें हो जाती है ना अपने आप को माहौल बना करके, रियलाइज नहीं होता कि चलो सीख गए, नहीं तो क्या है नहीं हो रहा है मुझसे स्टेप, नहीं हो रहा है स्टेप. और अगर वो इरिटेशन या वो फीलिंग माइंड में बैठ जाती है ना, तो उस स्टेप को सीखने में और वक्त लग जाता है. पर वो कितनी बार कुछ चीज़ें ऐसे हो गई कि वो इनका बच्चा मतलब साथीदार है वत्सल, वो बोलता है आपका कुछ अजीब है, मैंने देखा हार्ड स्टेप आप जल्दी सीख लेते हैं, इजी स्टेप आप भूल जाते. तो वो मस्ती में ही कुछ हार्ड स्टेप्स हो जाता है. एंड कभी कभी कुछ अगर आप आपका फ्रेम ऑफ माइंड कहीं पे आप ब्लॉक हो, एक होता ना अरे मेरे से नहीं हो रहा है, ये फीलिंग आप में आ जाती है ना, तो वो और प्रोलॉन्ग हो जाता है, वो सीखने में और वक्त लगता है. तो हम मस्ती करते रहते हैं. और दूसरा हमारा ये हमेशा होता है, जैसे अभी ये इंटरव्यू के बाद भी खाना खाने जाना है हमें कहीं, तो हमारा ये होता है कि कितने बजे जाएंगे वहाँ, बोले अभी ये ख़त्म करो. अच्छा तो मेन पर्पस हमारा खाओ गली. पॉजिटिव है काफ़ी मुझे, बाकी तो दर्शकों का जितना जो हम ये ट्विटर और या इंस्टा वगैरह के थ्रू जो समझ सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, उससे तो ये है कि वो एक्चुअली दोनों भी देखना चाहते हैं. उनको दादी भी देखना है, बोलते हैं हमें मज़ा आ रहा है, दादी एंटरटेन करिए, सब कुछ है,
किसी कुछ लोगों का आ रहा है कि वी वॉन्ट टू सी अली डांसिंग, सो अब ये दोनों जो है वो मैं ही हूँ, तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। वो कैरेक्टर भी बहुत मेरे दिल के करीब है, उसके भी बहुत प्लस पॉइंट्स है, बिकॉज जब दादी करते हैं तो उसमें एंटरटेनमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है, एंड जब हम दूसरा कैरेक्टर करेंगे तो नॉट डैट कि वो एंटरटेनिंग नहीं करेंगे, पर वो उतना एंटरटेनिंग नहीं हो पाएगा जो दादी का होता है, पर उसमें प्योर डांसिंग होगी। एंड कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमने बहुत डिस्कस किया है कि हमें ये करना है, कुछ एक्ट्स है जो मन में है, एंड वो चीज़ दादी नहीं कर सकती, वो अली करेगा एज अ बॉडी। तो जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, फिंगर्स क्रॉस कि हम वो उस पड़ाव तक जा पाए। Excited that I got paired up with him, A, because I think everybody has come as themselves on the show. He came on the show as a character, so it's a lot of fun. Dadi ke saath, because then it's a girl dancing with a woman, elderly woman, and so I think what I'm looking forward to is ki hum har hafte kya kya characters karenge. Dadi humne kar liya. We are planning on doing a different character this week. आगे चल के भी ऐसे ही अलग अलग कैरेक्टर्स करते रहेंगे एंड देन वन डे गेट हिम एज अली सर ऑल्सो, सो इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग बिकॉज एवरी वीक इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। बहुत ही हंसते खेलते इंसान है, बहुत ही बिल्कुल सीरियस नहीं है ये ऐसा फेस ऐसे बनाते बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, दिस आई कैन टेल यू ऑल नाउ। आई ऑल्सो थॉट कि यू नो मैन ऑफ हिज एज विद सो मच एक्सपीरियंस ही सो सीनियर तो ऐसे होंगे कि एकदम मतलब प्रॉपरली सब करना पड़ेगा। यो क्या लगा इतनी एज और एक्सपीरियंस और सीनियर क्या मैं पहले आकर के आपका आशीर्वाद लूंगा फिर मेरा डेंचर निकाल के रखूंगा। कितना कुछ होता है ना, कितना और डांस करना ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा ऐसा टेंशन हो जाता है, तो उसमें हंसते खेलते मैंने कभी नहीं देखा है। मिस होता है सब सारे किरदार, सारे कपिल, सुनील, कीकू, चंदन, अच्छी टीम हमारी वो थी एंड बहुत सारी यादें हैं, हम बहुत ट्रैवल भी किए। वो क्या कहते हैं वो साथ में मिल करके परफॉर्म करना, फिर वो ऑडियंस का इमीडिएट लाइव रिएक्शन मिलना, एंड वो एक सबका एक ग्रोथ था साथ में। मिस होता है डेफिनेटली, आई विल नॉट डिनाई कि मिस नहीं होता है, एंड अच्छा भी लगता है कि आई एम ग्रेटफुल ऑल्सो ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट शो। ये उनका सबका ये था यार, क्या बात है तेरे को डांस करते हुए देखेंगे, फिर जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो उसमें भी था अली मज़ा आया यार, एंटरटेन किया, लेकिन डांस तो कर तुम, वह तेरे को मेरा डांस दिखा नहीं, अच्छा नहीं थोड़ा डांस तो थोड़ा डांस पे ज़्यादा वो दे, थोड़ा डांस दे हम लोग तेरे को, अरे मैं बोला अभी मेरे फर्स्ट सेकेंड एपिसोड के अंदर थोड़ी मैं सडनली माइकल जैक्सन हो जाऊँगा, मुझे भी टाइम लगेगा यार, मैं थोड़ी मतलब के अरे वाह क्या बात है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लिप्सा ही हो ऐसे कपड़ा लेके खड़ी है और मेरा डांस हो गया, मतलब 5-6 दिन लगते उसको सीखने के लिए, एंड इट्स नॉट मैजिक बट वी हैव टू क्रिएट मैजिक, सो वी आर वर्किंग फॉर दैट। मैं हूँ अली असगर और ये है लिप्सा आचार्य और हम
हमारा जोड़ी नंबर क्या है? 11। हाँ, मैं जोड़ी नंबर 11। प्लीज हमें झलक में देखते रहिए, प्यार देते रहिए, हम आपको एंटरटेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं, दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। एंड जब तक हम इस शो में है, हम आपको हमारा ग्रोथ दिखाएंगे एज अ परफॉर्मर। थोड़ा सा कच्चा हूँ डांस में, लेकिन आप ही का बच्चा हूँ, इसीलिए बच्चे की जान मत लो। प्लीज़ हमारा डांस देखो और प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ वोट फॉर अस, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। भगवान, हे भगवान, ये दिखा बहुत इजी है, तो 5 दिन लग गए भाई। हाँ मैं बता रहा हूँ, किया मैंने बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा किया है, नो डाउट ऑन दैट। उसके डिसएडवांटेजेस बहुत है, नहीं बोलूँगा मैं।